हाय गुड इवनिंग टू ऑल माय व्यूअर्स, दिस इज शिवानी कपूर एंड आप देख रहे हैं क्रिकेट मेड इन। सो इंडिया का कल बांग्लादेश के साथ मैच है एंड हर मैच के पहले दोनों टीम्स प्रेस कॉन्फ्रेंस करती हैं। तो इंडिया की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस की है पारस महामरे ने, जो इंडिया के बोलिंग कोच हैं। सो व्हाट डज पारस हैव टू से अबाउट द इंडियन टीम टुमारो एंड इंडियाज मैच अगेंस्ट बांग्लादेश, वी शैल सून फाइंड आउट। उससे पहले मेरी व्यूअर्स से रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए एंड अगर आपको कंटेंट पसंद आए तो आप अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी जरूर करिए। सो एनीवे, कमिंग बैक टू व्हाट पारस महामरे सेड, सो पारस महामरे जी तो बहुत ही ज्यादा खुश लग रहे थे। देयर वाज अ बाउंस इन हिज स्टेप, देयर वाज हैप्पीनेस इन हिज वॉइस एंड यू नो ही वाज एक्सुबरेटिंग कॉन्फिडेंस बिकॉज उनका जो बोलिंग यूनिट है, इंडिया का जो बोलिंग यूनिट है, दैट इज परफॉर्मिंग रियली रियली वेल इन दिस पर्टिकुलर वर्ल्ड कप। सो ही इज फुल ऑफ कॉन्फिडेंस एंड ही इज सो प्राउड ऑफ हिज बॉयज, स्पेशली बुमराह एंड कुलदीप यादव। So, इन्होंने एक टर्म यूज किया, गन बोलर्स फॉर बुमराह एंड यादव। सो बेसिकली लाइक यू नो गन शॉट्स की जैसे वो बिल्कुल परफॉर्मेंस दे रहे हैं, इंडिया के लिए परफॉर्म कर रहे हैं एंड दे आर द मेन स्ट्राइक बोलर्स फॉर इंडिया। सो बुमराह के लिए उन्होंने बोला दैट बुमराह हैज हैड अ टफ रिकवरी एंड उनके मेडिकल स्टाफ जो MCA का है एंड यू नो यहां का भी जो मेडिकल स्टाफ है, दे हैव वर्कड रियली हार्ड ऑन बुमराह एंड द रिजल्ट इज फॉर ऑल टू सी। ही इज विनिंग मैचेस फॉर द country, he is the man of the match, he is the player of the match in the India Pakistan game, which was the most important game for us, and the bowling unit in totality is doing really well. इसके अलावा उन्होंने कुलदीप यादव की काफी तारीफ की एंड ही सेड दैट एक क्रिकेट प्लेयर जो ऑलरेडी इतना टाइम इंटरनेशनल क्रिकेट खेल चुका हो और उसके बाद उस प्लेयर को कहा जाए कि आप अपना बॉलिंग एक्शन चेंज करिए या ये मॉडिफिकेशंस करिए, तो प्लेयर के लिए एक्सेप्ट करना बहुत मुश्किल हो जाता है। बट कुलदीप यादव ने ये करा और सक्सेसफुली करा। उन्होंने यू नो मेंटली कुलदीप यादव को कोच किया, उनके रिदम में चेंज किया, उनकी लेंथ्स चेंज की, उनके बॉलिंग एक्शन में थोड़ी ट्वीक की एंड कुलदीप यादव वाज रिसेप्टिव टू ऑल दीज थिंग्स एंड ये चेंजेस करने के बाद टुडे ही इज वन ऑफ द मोस्ट लीथल बॉलर्स अक्रॉस द वर्ल्ड across formats. So he really had a kind word to say regarding Kuldeep Yadav because he has taken the you know the entire mantle of changing his bowling action and accommodating as per the team and you know he successfully done that. इसके अलावा उनको अश्विन के बारे में पूछा गया तो ही सेड कि भाई देखो अभी तो हम विनिंग मोमेंटम के साथ हैं एंड वी डोंट वांट टू यू नो मेक एनी सच चेंजेस और कोई भी रोटेशन पॉलिसी में अभी हम नहीं सोच रहे हैं बिकॉज हम विनिंग मोमेंटम नहीं लूज करना चाहते हैं। सो इन अ वे ही इज राइट, यू नो द टीम व्हाट व्हिच इज विनिंग शुड एक्चुअली बी प्लेइंग द रेस्ट ऑफ द मैचेस एंड अगर कोई अनफोर्सीन इंजरी या कुछ इनलिस्ट ना हो जाए तो हमें विनिंग कॉम्बिनेशन के साथ ही खेलना चाहिए। इसके अलावा सूर्य कुमार यादव की भी बात की और उन्होंने बोला कि सूर्य कुमार यादव इज अ मैच विनर। सो यू नो सूर्य कुमार यादव इज अ चैंपियन प्लेयर, ही इज अ मैच विनर, बट उन्हें यू नो खिलाने के लिए किसी को बाहर बिठाना पड़ेगा एंड दैट फॉर नाउ इज रियली रियली डिफिकल्ट बिकॉज किसी की जगह ऐसे ही हम किसी को भी बिना किसी रीजन से ड्रॉप नहीं कर सकते हैं। सो ही यू नो वॉज हाईली डिसअपॉइंटेड कि सूर्य कुमार यादव जैसे चैंपियन प्लेयर को हमें बाहर बिठाना पड़ेगा एंड यू नो बिठाना पड़ रहा है एंड जब तक उनकी जगह कहीं यू नो मेन बैटर्स को कुछ इंजरी या कुछ नहीं हो जाता तब तक उनकी जगह शायद नहीं बनेगी। इसके अलावा ही टॉक्ड अबाउट द बांग्लादेशी प्लेयर्स, ही सेड द तास्किन अहमद इज यू नो द मेन बोलर फॉर बांग्लादेश, ही इज बीन परफॉर्मिंग वेरी वेल ऑन बांग्लादेशी विकेट्स विच डज नॉट सपोर्ट्स पेस टू मच, हेंस यू नो अगर वो बांग्लादेशी विकेट्स में परफॉर्म कर सकते हैं तो जहां पेस की उनको यू नो असिस्टेंस मिलती है उन पिचेस में तो वो बहुत ही अच्छा करेंगे। इसके अलावा ही सेड बोथ द मेहंदीज आर डूइंग वेल, मेहंदी अजहर मिराज एंड द अदर मेहंदी हु यू नो आर गुड स्पिनर्स एंड शाकिब इफ ही प्लेस देन इट विल बी गुड फॉर बांग्लादेश बिकॉज ही इज एन ऑलराउंड प्लेयर। ऑल इन ऑल ही सेड कि हम किसी भी टीम को लाइटली नहीं ले रहे हैं, हम फोकस कर रहे हैं कि हम यू नो
each team in the World Cup will pose a challenge, and we will take each team, whether it's Bangladesh or it is Netherlands, we will take each team seriously, and we will deal with them in the most professional manner which is possible. So we do not expect that India will let off any pressure tomorrow. We expect that full on ye throttle aayenge and apna 100% performance denge, and there will be no lack of any enthusiasm or any commitment from any of the Indian players. So that was it regarding the press conference of Paras Mahamre, in which he really appreciated his bowling unit. He said that rest ka zyada chance nahi hai kisi player ko, because we don't want to lose the winning momentum. So Shami, Ashwin and Surya Kumar Yadav may not get a play in even tomorrow. Iske ilawa aaj ODI rankings release hui hain, and 3 Indian batters are in the top 10. Shubman Gill as number 2, Rohit Sharma at number 6 and Virat Kohli at number 9. So India is the only country jahan 3 unke players hain top 10 ODI batsman ki ranking mein. So congratulations, and Shubman Gill aap to bahut hi kam points ke difference mein hai Babar Azam se. So aap jaldi jaldi wo gap khatam kariye, and be number 1 get the number 1 position soon, so that hum aapki ye अचीवमेंट को भी सेलिब्रेट कर सके. दैट इज इट फॉर दिस वीडियो, एंड वी होप टू सी अ गुड मैच टुमारो, एंड आई विल बी देयर विद यू ऑल थ्रू आउट द डे डिस्कसिंग अबाउट द मैच, द प्लेइंग 11, द पिच कंडीशंस, द वेदर कंडीशंस एंड हाउ इंडिया फेयर्स टुमारो. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, एंड प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब टू द वीडियो.